व्हाट्सअप गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एक यूदी ट्रैवलर। सो आज की वीडियो तुर्की वीज़ा पे है। तुर्की जो अनातोलिया ऑफिस तुर्की को डील करता है, उसने अपनी फीसेस जो है ना काफ़ी हद तक बढ़ा दी हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। पहले जब आप तुर्की का वीज़ा जमा करवाते थे अनातोलिया के ज़रिए, तो आपका ऑलमोस्ट 20 से 22 हज़ार का खर्चा आता था। लेकिन अभी जो है ना वो डबल हो गया है। अभी अगर आप अपनी फाइल जमा करवाने जाते हैं तो आपका 42 से 43 थाउजेंड के अराउंड जो है ना खर्चा आएगा। तो इसमें ये है कि इन्होंने इंश्योरेंस ऐड कर दी है कि इंश्योरेंस जो है ना वो आप बाइट से नहीं ले सकते, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आपने अनातोलिया के ऑफिस से ही लेनी है। इसके अलावा जो वीज़ा फीस है वो भी इन्होंने बढ़ा दी है, और इसके अलावा जो अनातोलिया के चार्जेस हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो जो GST थी पहले वो फीस के अंदर ही लेते थे, अभी उन्होंने उसको ज़्यादा करके तो सेपरेट कर दिया है, वो भी आपने अलग-अलग से पे करनी होती है। सो ये ऑलमोस्ट जो है ना 43-44 थाउजेंड तक जो है ना वो आपका एक्सपेंस आ जाएगा अभी तुर्की वीज़े का। सो नेक्स्ट मे भी इसके बाद ये होटल बुकिंग, ट्रैवल बुकिंग और जो वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी बाहर से अलाउ ना करें, आपने वो भी अनातोलिया ऑफिस से ही करवाना हो तो उसके भी ये जारी सी बात है अलग-अलग चार्जेस रखेंगे। तो वैसे इसकी वीज़ा रेशो जो इस टाइम है वो बहुत अच्छी है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इसका वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। आपका वीज़ा लगने के चांसेस 95% होंगे, और अभी जो इसका प्रोसेस टाइम है वो भी 8 से 10 दिन के अंदर जो है ना वो आपको वीज़ा पेस्ट करके दे देंगे वापस आपका पासपोर्ट। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें आपका पासपोर्ट लास्ट 6 मंथ तक वैलिड हो, इसके अलावा आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, और अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट और FRC होनी चाहिए। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी माँ बाप के साथ जो FRC है वो आपने साथ लगानी है। सो इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का लेटर, सैलरी वगैरह लगेंगी, और इसके अलावा अगर आपका बिजनेस है तो फिर बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि NTN, चैम्बर का कार्ड, चैम्बर का सर्टिफिकेट और लास्ट 2 ईयर की टैक्स रिटर्न लगेंगी। और जो बैंक स्टेटमेंट लगेगी आप वो लास्ट 6 मंथ की लगेगी, तो इसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लगेगा। तो अभी बैंक वाले भी कह रहे हैं कि अभी ऑटो स्टेटमेंट और लेटर निकल रहे हैं तो इसमें साइन स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती, तो आपने कोशिश करनी है कि लेटर पे भी साइन स्टैम्प करवाएं, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के पहले पेज पे और इसके अलावा एंड वाले पेज पे आपने साइन स्टैम्प ज़रूर करवाना है। तुर्की जैसे सबको पता है कि बहुत बेस्ट कंट्री है टूरिज़म के लिए भी, और इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वंस अगेन तो आप तुर्की का वीज़ा जो है ना लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इस टाइम इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड एज वेल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।